हे हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक टू डी एस स्टडी टेक चैनल में मैं दिलीप सुधार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हाँ हालांकि आपको इस चैनल पर लेकर आया हूँ कुछ एक चीज अच्छे से बताने के लिए। अगर आप मेरे अगर ना ये जैसे यूट्यूब चैनल पर आ जाते हो उसके बाद आप है ना प्ले लिस्ट पे क्लिक कर लीजिए। प्ले लिस्ट के बाद आपको है ना जो क्लिक करना है वो है ना आपको क्लिक करना है फाइव मोमेंटम स्टॉक्स। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको सारे जो भी मेरे मतलब है ना मैं डेली रूटीन्स पे जो भी मेरे फाइव मोमेंटम शेयर्स होते हैं जो हम लोग कल के लिए हम लोग जो है ना जिसके अंदर हम लोग इंटरडे के लिए कोई प्लान करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अभी अगर हम लोग आ जाते हैं कल हमने कौन से शेयर्स के लिए अगर अभी हम लोग एनालाइज किए हैं तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं रेडिंगटन। ये जो भी मैं आज आपके साथ जो शेयर है ना शेयर करने वाला हूँ वो शेयर ऐसे होंगे जो आपने कभी नाम शायद ही सुने होंगे और है ना उनका रिटर्न्स है ना ऐसे खतरनाक रिटर्न्स होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी भी कुछ कंपनियां हो सकती है क्या। तो हम लोग है ना सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने ये रेडिंगटन शेयर्स को लेकर आया हूँ। फिलहाल उसका जो प्राइस है करंट प्राइस है 157 प्राइस है और आज है ना 0.90% का ग्रोथ थी। अगर इस कंपनी के अंदर अगर आप है ना कोई प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर अभी भी एक है ना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर है ना मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर है ना इसको बहुत अच्छे से मतलब थोड़ा सा अप हुआ फिर इसके बाद गिर गया। मैं इसके अंदर आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई रिव्यूज नहीं है मेरे से खाली मैं छे जो कुछ है ना लग रहे हैं वो पांच शेयर मैं आप लोगों के सामने सिर्फ है ना बता रहा हूँ कि मार्केट में ये शेयर्स है जिसके अंदर आप है ना उन पे भी ध्यान दोगे कि ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अभी अगर इस कंपनी के अंदर अगर आप अगर ऐसे देख रहे हो तो फिलहाल 157 का भी प्राइस चल रहा है तो चाहो तो आप इसके अंदर अपनी ना एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो जिसके अंदर हम लोग है ना 180 का टारगेट से लेकर आप है ना 185 का भी टारगेट लेकर इसके अंदर चल सकते हो। और शेयर्स काफी अच्छा है यहाँ पर अगर इसको रिसर्च वाइज किया जाए तो बहुत अच्छी कंपनी भी है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी खासी कंपनी है। मार्केट कैप है ना जो भी है इसका 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कैपिंग यानी कि एक है ना मिड कैप कंपनी है फिलहाल रेडिंगटन के लिए। तो ये कंपनी को अगर देखा जाए तो ना आप है ना इसके अंदर आप अपनी एनालाइज करो बहुत अच्छी है ना मेरे ख्याल से कंपनी है। और अगर हम लोग इसका अगर मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न भी देखो तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख रहे हो 2007 से 16 रुपया प्राइस था और वहां से देखा जाए तो 157 रुपीज। नॉट इतनी कुछ बहुत बड़ी हाइक नहीं हुई है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो गया इसके लिए ना। तो देखा जाए तो मार्केट 2021 तक काफी अच्छे से चल रही थी ना। अभी हम लोग है ना अगला जो मेरा शेयर है जो आप लोगों के सामने में लेकर आ रहा हूँ वो है उग्रो कैपिटल। उग्रो कैपिटल में आज जो फिलहाल है ना यहाँ पर अगर आप है ना इसके अंदर कोई अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो अगर उग्रो कैपिटल से में ये जो शेयर है ये फिलहाल है ना 299 रुपीज यानी कि 300 रुपये का शेयर है। ऑलरेडी आज मार्केट थोड़ा निगेटिव होने के कारण आज देखोगे तो देखो ये मार्केट कैसा था अगर आपको अगर समझने के लिए अगर समझना है तो मार्केट देखो अच्छा सा पॉजिटिव था बट है ना फिर यहाँ से एंड मोमेंट पे मार्केट गिर गई। तो फिर यहाँ पर एक ऐसा एक सिचुएशन आने के कारण है ना उग्रो कैपिटल में ये चीजें हुई है, बाकी कोई भी नहीं है। कंपनी का अगर वाइस आपको देना देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री की कंपनी है। कंपनी ने 2021 में 121 रुपए का भाव था वहां से कंपनी ने आज ना देखा जाए तो कितने 2 सालों में कंपनी ने 146% यानी कि कितना कंपनी ने ऑलरेडी 150% का भाई है ना रिटर्न दे दिया। और क्या चाहिए अपने को। ओके नाउ भी इसके अंदर अगर हम लोग है ना एक अपॉर्चुनिटी अगर चाहे तो अगर आप प्लान कर सकते हो बट इसके अंदर कहीं ट्रैप ना हो जाओ बिकॉज अगर इसका कैंडल अगर आप पैटर्न अगर देखोगे तो अगर है ना चार्ट पैटर्न पे अगर हम लोग इसको प्ले देखोगे तो देखो ऑलरेडी ना कंपनी बहुत अच्छे से ना मतलब अपर सर्किट अपर साइड में ही जा रही है। तो आप इसके अंदर भी एक अच्छे से प्लानिंग बना सकते हो। फिलहाल अभी तो मेरी इसके अंदर कोई ना कोई टारगेट के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी ऑलरेडी कंपनी बहुत हाई है। तो फिर हम लोग देखते हैं अभी इसके लिए कुछ नए शेयर्स के लिए। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं एस जी फिनसर्व, एक और है ना इंडस्ट्री है फाइनेंस इंडस्ट्रीज की आज कंपनी को उठा के मैं लाया हूँ जिसका फिलहाल करंट प्राइस 561 रुपीज है एस जी फिनसर्व में। और ना ये कंपनी आज है ना ठीक है अच्छे से मतलब है ना इसका जो शेयर है पॉजिटिव रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ऑलरेडी 2015 में 11 रुपया शेयर लेकर आई थी। आपको देख रहे हो आप कितना 11 रुपये में शेयर लेकर आई थी और 561 पे पहुंचा दिया उसने शेयर्स को। तो फिर ये भी देखा जाए तो एक काफी अच्छी सी शेयर से यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेकिन इसका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप अगर मैं आपके सामने अगर रखूँ तो मार्केट कैप है ना यहाँ पर इसका बहुत छोटा मार्केट कैप है। तो फिर आप है ना मार्केट कैप को अगर देख के अगर आप इसको अगर एनालाइज अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर सोचते हो तो फिर ठीक है लेकिन है ना आप इस देख ले दो जो इसका मार्केट कैप है वो कितना से खाली 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बहुत छोटी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना ही रिस्क भी होगा। तो फिर मे बी अगर आप इसके अंदर अगर कोई अच्छा सा अगर कोई प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग आप है ना इसके अंदर है ना प्लान कर सकते हो।
फिलहाल मैं अभी के लिए तो ना देखा जाए तो कंपनी के अंदर अगर कोई टारगेट बेसिस अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल कंपनी के अंदर आप है ना टारगेट बना सकते हो कि है ना आप है ना इसके अंदर 590 और 610 का टारगेट बना सकते हो। अगर ये अगर दोनों टारगेट अगर अच्छी हो जाते तो आप है ना यहाँ पर 635 का टारगेट लेकर चल सकते हो। तीन टारगेट्स यहाँ पर है एसजी फिक्सर में काफी अच्छे वाइज है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं। नाउ भी है ना ये सारे शेयर्स जो भी हैं कि मैं आपके साथ जो भी सजेस्ट करूँगी है ना सब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही कुछ शेयर्स है जिसके अंदर आप है ना प्ले कर सकते हो। बाकी अपना स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क के बेस पे भी इसको लेकर चल सकते हो। नाउ अगर मैं अगर अगली कोई कंपनी अगर है ना मेरे सामने कोई अच्छे से कोई कंपनी अगर मैं रखूँ तो फिर मेरे पास है फिलहाल है विनस पाइप्स। विनस पाइप्स है ना इतनी ना जो हमारे पास है ना एस्ट्रॉल पाइप्स है ना देखा जाए तो ना मार्केट लीडर है कंपनी। उसके बाद है ना जो है प्रिंस पाइप है। विनस पाइप में भी अगर देखा जाए तो आज फिलहाल जो कंपनी ने में जो प्राइसेस हुआ है वो 1520 रुपए का ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर है ना उसका शेयर का प्राइस है। फिलहाल कंपनी में कुछ नहीं 0.66% की पॉजिटिविटी दिखी। रीजन ऑफ दैट मार्केट के अंदर काफी अच्छा सा अगर देखा जाओ तो आज ना मार्केट बहुत अच्छा था बट धीरे 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 करके ये नीचे आ गया। मैक्सिमम अगर चार्ट अगर इसको मैं देखूँ तो 2022 से ये कंपनी 332 रुपए में शेयर्स का प्राइस आया था। कितना देख रहे हो आप कितना 332 से आज 1500 5 गुना पैसा बना दिया। कितने जस्ट है ना से खाली इतने कम पीरियड में इतने कम टाइम में अगर है ना कौन मतलब है ना आप है ना 2022 मई का चलता है यानी कि ना 1.5 साल भी नहीं हुए ठीक से। अभी तक कंपनी को कुछ है ना 14-15 महीने हुए। 14-15 महीने में कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न मतलब दे दिया भाई 4.5 गुना मतलब रिटर्न यानी कि बहुत औसम रिटर्न है ना कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किए। और इन्हें देखा जाए तो ये भी कंपनी ना मार्केट कैप वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटी 3000 करोड़ की कंपनी है लेकिन इन्हें अगर इसका पी रेशियो थोड़ा सा भी महंगा आ चुका है लेकिन अब इसके अंदर अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो फिलहाल खरीदने के लिए तो ऑब्वियसली हम लोग इसके अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज है ना जरूर हम लोग इसके अंदर ट्राई करेंगे बनने के लिए कि अगर कुछ अच्छा सा रिटर्न्स बन सके। ऑब्वियसली अगर कंपनी का अगर देखा जाए तो अगर इसी रेंज में अगर कंपनी ने अगर चलती रही तो हम लोग है ना आराम से इसको ना टारगेट वाइज अगर हम लोग देखें एक अंदाजा वाइज तो हम लोग इसके अंदर 5050 प्लस हम लोग इसके अंदर 5585 1585 लेकर भी हम लोग इसके अंदर चल सकते हैं। ये हम दो ऐसे टारगेट है जो शॉर्ट टर्म्स के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं ना। अगर अभी अगली कंपनी अगर मैं अगर देखना चाहूंगा तो अगर अगर अगली कंपनी के लिए एडीएफ फूड एडीएफ फूड्स में भी ना करंटली जो प्राइस है वो 1095 रुपये का प्राइस है। फिलहाल 4 रुपया आज ना शेयर्स इसका ऊपर रहा मार्केट के अंदर। ये भी आज काफी अच्छी 1100 रुपये का हाई बनाकर फिर कम धीरे धीरे डायरेक्ट करके 1095 पे आ गई यानी कि थोड़ा सा ना कम से कम 10-20 रुपये थोड़ा नीचे आ गया बट ठीक है ओके। कंपनी के अंदर तो यहाँ पर जो भी है इस हिसाब से अगर हम लोग कंपनी को करें ना आज इसकी अगर मार्केट कैप आया जैसे अगर देखा जाए तो 2000 करोड़ की कंपनी। आज मैंने आपको सारे शेयर्स बताए वो बहुत ही छोटे एकदम मेरा स्मॉल मार्केट कैप थी इसी खाली एक रेडिंगटन थी जिसका है ना मार्केट कैप है ना एक है ना मिड कैप के ना शेयर्स में था। तो अभी इसके अंदर अगर अगर कोई अगर अपॉर्चुनिटीज अगर आप देख रहे हो तो फिलहाल इसके अंदर मैं अगर आपके साथ अगर कोई अगर शेयर्स अगर है ना यहाँ पर सजेस्ट करूँ तो फिलहाल आप है ना अभी यहाँ पे ना आराम से आप सॉरी 1100 आप है ना यहाँ पर 25 का है ना एक टारगेट लेकर चल सकते हो। उसके बाद है ना ये अगर टारगेट अगर हमारा स्टेबलिश अगर है ना हो जाता है तो फिर हम लोग आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो फिर है ना आप है ना इसके बाद है ना आप 1155 का दो टारगेट हम लोग लेकर चल सकते हैं। आप है ना अगर मैक्सिमम अगर चार्ट देखा जाए तो ये शेयर्स के अंदर भी आप है ना देखकर शॉक हो जाओगे कि कंपनी 2000 में कितने 99 में 5 रुपए की कंपनी आई थी। उसके बाद कंपनी ने जो यहाँ पर रैली निकाली भाई रैली बहुत खतरनाक रैली आई है। और है ना ये देखो ये अगर है ना ये प्राइस देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर है ना इस प्राइस को ब्रेक करके ना ऑलरेडी कंपनी ऊपर चल रही है यानी कि ना हाई पे हाई अभी धीरे धीरे बना रही है। बहुत टाइम से यहाँ पर बीच में 2 साल कंपनी थोड़ी सी ना स्ट्रगलिंग पीरियड में थी बट है ना मार्केट में वापस है ना आ रहा है सारी चीजें तो उस बेसिस के ऊपर तो ये शेयर ना काफी अच्छे से मूवमेंट बना हो सकता है। तो ये जो भी शेयर है मैंने आपके सामने सारे ना मतलब इतने हिट्स नहीं है काफी स्मॉल कैप के अंदर आप इन कंपनियों में चलोगे तो देखकर तो काफी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे शायद से शेयर्स में कैसा होना चाहिए। तो करें ना आपको है ना मेरी ये जो है ना 5 शेयर मैंने एकदम जो आपके लिए एकदम अलग से लाए तो शायद आपको जैसा भी लगा होगा तो प्लीज आप उस शेयर्स को लेकर कमेंट करना कि ऐसे में और भी नए नए शेयर्स आपके लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। और जो जो आपके सामने जो शेयर्स है मैंने बताया अगर आप चाहते हो कि उसमें से अगर किसी शेयर्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाए केस स्टडी की जाए सारी चीजें एकदम अच्छे से की जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। और आप जो चाहते हो किसी और शेयर के ऊपर भी अगर आप चाहते हो कि उस शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ
तो डैम श्योर आप है ना उसके ऊपर भी आप है ना कमेंट जरूर आप है ना करना, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा रहेगा मुझे भी कुछ कुछ चीजें सीखने के लिए। और नाउ अगर है ना आपको मेरी वीडियो को बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज है ना वीडियो को फटाफट है ना लाइक कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइज।